आप देख रहे हैं सत्य हिंदी .com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 123वां दिन है और इस समय यह पदयात्रा पंजाब में मौजूद है। आज 17 जनवरी मंगलवार को यात्रा होशियारपुर से शुरू की गई, जो कि शाम के समय मुकेरिया में जाकर रुकेगी। बता दें कि यह पदयात्रा अभी तक 15 में से 11 राज्यों को कवर कर चुकी है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है। अब इसके बाद यात्रा पंजाब में अपना सफर पूरा कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और इसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में जाकर होगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए और बैठक के पहले दिन ही कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके समापन के साथ कई बड़े फैसले भी लिए गए। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेगासस, राफेल, ईडी, सेंट्रल विस्टा, आरक्षण और नोटबंदी, ये ऐसे विषय थे जिन पर विपक्ष ने आधारहीन दावों के माध्यम से प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट में उन्हें मुंह की कहानी पड़ी। इसके साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से मिली जीत को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि गुजरात में हमने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलकर जीत दर्ज की है, ये सामान्य नहीं बल्कि ऐतिहासिक जीत है। गुजरात की जीत का प्रभाव आने वाले चुनाव पर भी निश्चित ही नजर आएगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट द्वारा इस चुनावी वर्ष की शुरुआत रैलियों से करने की योजना बनाई गई है। बता दें साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट अकेले ही चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और ऐसे में वे अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए नजर आए। दरअसल पायलट जाट समुदाय और किसानों के गढ़ नागौर में चुनाव प्रचार कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने राजस्थान में हाल ही में हुए शिक्षकों के लिए सामान्य ज्ञान परीक्षा के लीक का मुद्दा उठाया। पायलट ने एक रैली में कहा कि कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, कभी परीक्षा रद्द कर दी जाती है, यह बहुत दर्दनाक और परेशान करने वाला होता है। बच्चे, उनके माता पिता शिक्षा के लिए कितनी परेशानी झेलते हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि सरकार छोटे मोटे दलालों की बजाय बड़ी मछलियों के पीछे जाएगी। वहीं पायलट के करीबी सूत्रों का कहना है कि उनके इस जनसंपर्क कार्यक्रम का उद्देश्य केवल कांग्रेस को मजबूत करना, राजस्थान में अपनी राजनीतिक जगह बनाए रखना है। सूत्रों ने कहा कि यही कारण है कि वह जाट और किसानों के गढ़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कांग्रेस का परंपरागत आधार है। और सचिन पायलट ने चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस जनसंपर्क के लिए राहुल गांधी से अनुमति ली थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पंजाब में है और इस दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें किसी के रिमोट कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए और उन्हें स्वतंत्र रूप से राज्य चलाना चाहिए। राहुल गांधी ने यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब को पंजाब से चलाया जाना चाहिए, इसे दिल्ली से नहीं चलाया जाना चाहिए। वहीं अब राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल जी, पंजाब में आप उल्टा सीधा ना ही बोले तो अच्छा है, मुझे मुख्यमंत्री पंजाब की जनता ने बनाया है और चन्नी जी को राहुल गांधी ने, आपने 2 मिनट में चुने हुए मुख्यमंत्री कैप्टन साहब को दिल्ली से बेइज्जत करके हटा दिया था। यात्रा में पंजाब के अध्यक्ष को धक्के पड़ रहे हैं, आप बोलते अच्छे नहीं लगते। त्रिपुरा की भाजपा सरकार में कानून मंत्री रतनलाल द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर इस समय सियासत गरमाई हुई है। दरअसल कानून मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा था कि लोकतंत्र की बात करने से पहले विपक्षी पार्टियों को अपने मुंह को गोमूत्र से धोना चाहिए। वहीं अब उनके इस बयान पर विपक्षी दल ने पलटवार किया है। सीपीएम के महासचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि हम उनकी बातों से हैरान नहीं है, क्योंकि नियमित रूप से गौमूत्र पीने वाले लोगों का लोकतंत्र शब्द पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव सजरिता लेट फ्लोंग ने कहा कि हम साफ पानी से मूंद होते हैं, लेकिन ये राज्य में उपलब्ध नहीं है, गोमूत्र से कुल्ला करना बीजेपी का काम है। गंगा नदी में वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुए गंगा विलास क्रूज के सोमवार 16 जनवरी की दोपहर बिहार के छपरा में फंसने की कई खबरें सामने आई थी, लेकिन अब इन खबरों को गंगा विलास क्रूज के संचालक दल और जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से नकार दिया गया है। उनका कहना है कि क्रूज कहीं भी नहीं फंसा था। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज का संचालन करने वाले एग्जॉटिक हेरिटेज के अध्यक्ष राज सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान बताया कि क्रूज तय समय के मुताबिक पटना पहुंच गया है।
गाद होने की वजह से क्रूज को किनारे पर ले जाना ठीक नहीं था, इसलिए क्रूज को पहले ही किनारे से दूर रोक लिया गया और पर्यटकों को छोटी नाव के माध्यम से साइट सीइंग कराई गई। उन्होंने आगे कहा, गंगा विलास क्रूज वर्तमान में जीटी के बजाय पटना में लंगर डाले हुए है क्योंकि हजारों लोग क्रूज को देखने आ रहे हैं और ऐसे में हमारे लिए पर्यटकों की सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए हम यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्रूज को जेट्टी पर नहीं ला सकते। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और हम केवल एहतियात बरत रहे हैं। आपको बता दें, बीते दिन कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि गंगा में उतले पानी के कारण बिहार के छपरा में एक क्रूज फंस गया और कई छोटी नाव पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर ले गई। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों में ये भी कहा गया है कि गंगा विलास क्रूज के फंसने के बाद क्रूज ऑपरेटर्स को उसे वहां से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्रूज के फंसने का पता चलते ही एसडीआरएफ की टीमें बुलवाई गई और इसके बाद पीपा पुल को खोलने पर क्रूज आगे बढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।